अलवर जिले के सरकारी अस्पताल में जेब कतरे सक्रिय, पुलिस निष्क्रिय। प्रतिदिन हो रहे जेब तरासी, रोगियों के परिजन परेशान, नहीं हो पा रहे ऑपरेशन। जहां अलवर जिले के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों जेब कतरों के सक्रिय होने से रोगियों एवं उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पैसों के अभाव में रोगियों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। अलवर जिले के एक गांव से आए मुबारक ने बताया कि वे महिला का बच्चे की गांठ का ऑपरेशन करवाने के लिए अलवर शहर में स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंचा, जहां पर लाइन में लगते समय अज्ञात जेब कतरे ने उसकी जेब से 18,500 रुपए व एक अन्य रोगी के वृद्ध परिजन के 2,000 रुपए निकाल लिए, जिससे उसकी महिला की ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों को देखने के बाद पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद उसने दूसरे दिन लाइन में लगकर जेब कतरे को पकड़ने की ठानी। पैंट की पिछली जेब में रद्दी कागज भरकर कहा कि उसकी जेब में 50,000 रुपए हैं। जैसे ही वह लाइन में लगा, तभी पीछे से एक जेब कतरे ने जेब में हाथ डाल दिया। उस पर मुबारक ने एक जेब कतरे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जेब कतरे का दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए जेब कतरे से भागे जेब कतरे की शिनाख्त करने सहित अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी।